हे गाइज, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा था। उसका कहना था कि कार्स या फोर व्हीलर में बारिश के पानी को रिमूव करने के लिए विंडस्क्रीन वाइपर लगाया जाता है, क्या इस वाइपर को प्लेन में भी लगाया जाता है? अगर हाँ तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी तेजी से ट्रेवल कर रहे प्लेन जिसमें एटमोस्फेरिक एयर सीधे प्लेन के नोज में स्ट्राइक करती है, ठीक उसी जगह विंडस्क्रीन वाइपर को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लेन में भी कार्स या अदर व्हीकल्स की तरह विंडस्क्रीन वाइपर लगाया जाता है और कॉकपिट में जनरली इसका कंट्रोल स्क्रीन के ठीक ऊपर होता है। अगर हम फ्लाइट 737 के कॉकपिट में देखें तो यहाँ दोनों वाइपर का कंट्रोल स्विच होता है, एल वाइपर एंड आर वाइपर, यानी कि लेफ्ट एंड राइट वाइपर। यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए चार ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉप, इंट, लो एंड हाई स्पीड। कुछ प्लेन्स में सिर्फ तीन ही ऑप्शन होता है, ऑफ, स्लो एंड फास्ट, जिसे पायलट वेदर के अनुसार सेट करता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने तेज गति से स्ट्राइक कर रहे एयर का सामना ये वाइपर कैसे कर सकता है? आपका सोचना बिल्कुल भी जायज है, पर हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्लेन जब हाई एल्टीट्यूड पर होता है तो जनरली बादलों के ऊपर से होकर गुजरता है। ऐसे में इस एल्टीट्यूड में विंडस्क्रीन वाइपर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। वाइपर का इस्तेमाल प्लेन में टैक्सिंग के दौरान किया जाता है, यदि बारिश हो रही हो और पायलट को क्लियर विजन ना मिल पा रहा हो। टैक्सिंग के दौरान प्लेन का मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर होता है और इतने स्पीड में वाइपर का इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान भी अगर बारिश हो रही हो तो ऐसे कंडीशंस में भी पायलट वाइपर का इस्तेमाल कर लेता है। हर प्लेन्स में वाइपर को यूज करने के लिए स्पीड लिमिट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें ये 320 की तो ये प्लेन 230 नॉट्स यानी कि 426 किलोमीटर के स्पीड तक वाइपर का यूज किया जा सकता है। अगर प्लेन का स्पीड इससे अधिक हो जाता है तो विंडस्क्रीन वाइपर मूव नहीं कर पाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा, बिकॉज एयर इतनी तेजी से विंडस्क्रीन में स्ट्राइक करेगी कि वाइपर का मूव हो पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में एक सवाल आता है कि बारिश में अगर प्लेन 250 नॉट से भी अधिक स्पीड से फ्लाई कर रहा है तो पायलट क्लियर विजन के लिए क्या करेगा? यहाँ पर एक सिंपल सा फिजिक्स है। एयर विंड स्क्रीन में इतनी तेजी से स्ट्राइक करती है कि रेनिंग के दौरान वाटर ड्रॉप्स इस स्ट्राइक की वजह से क्लीन हो जाता है और वाइपर को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे भी यूज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।